हेलो एवरीवन, आज हम लोग बड़ी बनाते हैं, उड़द दाल और चने दाल की बड़ी। इसके लिए हम लोग उड़द दाल 2 केजी रात में ही भिगोने रख दिए थे, पहले अच्छे से धो लेना है, उसका भीगने छोड़ देना है रात में। और ये मेरा फूल के तैयार हो गया है। अब हम लोग इसके मसाला की तैयारी कर लेते हैं। मसाला में हम लोग मेथी लिए हैं, मेथी को 100 ग्राम मेथी लिए हैं। इसमें 3 केजी मेरा है बड़ी बनाना है, उसमें हम 100 ग्राम मेथी लिए हैं। इसको अच्छे से भूनना है और मीडियम हीट में भूनना है, ज़्यादा हीट नहीं करना है। और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हल्का सा भून लेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगती है सोना सोना। और इसके डालने से पूरा बड़ी में ही खुशबू फैल जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है बड़ी खाने में। इसको डालने से बड़ी भी हल्का होता है, इसीलिए इसको ज़रूर डालेंगे। और इसमें 50 ग्राम अदरक लिए हैं, इसको हम लोग दाल के ही साथ पीस लेंगे। पहले अदरक को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। और ये दाल भिगोया हुआ मेरा है ही, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोग पीसेंगे, क्योंकि मेरा ये ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। इसका जो बैटर है बिल्कुल सख्त होना चाहिए, ताकि ये मेरे फेटेंगे तो इसका टाइट होना चाहिए बैटर, और बड़ी पानी में ये फैलेगा नहीं अगर टाइट रहेगा तो। अगर लूज कर देंगे तो वो बड़ी में पारते समय, यानी जब बड़ी हम लोग गिराएंगे उस समय बड़ी हमारा फैल जाएगा, इसीलिए इसका बैटर टाइट रखेंगे। बस इसी तरह का हम लोग को टाइट रखना है। देखिए, हम पूरा पीस के इसमें उड़द दाल और चना दाल दोनों को हम पीस के अच्छे से मिला लिए हैं। अब जो हम लोग मसाला इसका तैयार करके रखे थे, मेथी का पाउडर, उसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला करके हम लोग 5 मिनट इसको अच्छे से फेटेंगे, पूरा एक ही साइड से घुमाते हुए। इसमें हवा भरना है हमको और इसको हल्का करना है, इसलिए एक ही साइड से घुमाते हुए हम लोग इसको फेटेंगे। और 5 मिनट हम फेटे हैं, उसके बाद हम लोग पानी में इसको चेक करेंगे। एक कटोरी में पानी ले लेंगे और इसको चेक करेंगे। देखिए, इस तरह से ही फेटना है, एक साइड से ही फेटना है, ताकि मेरा ये बैटर हल्का हो जाए। अब हम लोग इसको पानी में चेक कर लेते हैं कि कैसा है मेरा ये फेट करके हुआ है। 5 से 7 मिनट तक हम इसको फेटे हैं। देखिए, ये ऊपर आ रहा है, इसका मतलब मेरा ये अच्छे से फटा चुका है। अब बैटर का देखिए, ऐसा ही थिकनेस होना चाहिए, ना गाढ़ा है ना ये ज़्यादा लूज है, बस ऐसा ही होना चाहिए। अब इसका हम लोग बड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम लोग को छत पर जाना पड़ेगा। छत पर एक कॉटन कपड़ा हम लोग फैला करके रखेंगे और उस पर इसी तरह छोटा छोटा गोल गोल डालते जाएंगे। इसमें सूखी मिर्च भी हम लगा दे रहे हैं, बहुत लोग इसमें सूखी मिर्च भी डालते हैं, चिली फ्लेक्स भी डालते हैं, लेकिन हम सब्जी बनाने के टाइम में डालेंगे, इसीलिए हम इसमें कुछ नहीं डाले हैं, सिर्फ अदरक डाले हैं और मेथी डाले हैं। चाहे तो आप मिर्ची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह अब हम लोग को छोटा छोटा टुकड़ा डाल करके इसको बना लेना है। उड़द का दाल यहाँ पर, उड़द और चना दाल हम दोनों मिक्स करके बना रहे हैं। चाहे तो आप केवल उड़द दाल की भी बना सकते हैं और चाहे तो आप सिर्फ चने दाल की भी बना सकते हैं, लेकिन हम दोनों मिक्स करके बना रहे हैं। दोनों मिक्स बनाने से और अच्छा इसका टेस्ट लगता है। एक बार आप लोग इस तरह बना करके देखिएगा कैसा बनता है। और बहुत लोग इसमें कोहड़ा जो हम लोग बोलते हैं, आप लोग इधर क्या बोलते हैं पता नहीं, उसको भी डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको नहीं पसंद करते हैं, खट्टा, वो खट्टापन उसमें थोड़ा सा स्वाद होता है, तो इसीलिए हम उसको नहीं डाल रहे हैं। बड़ी में वो भी चीज़ पड़ता है, उसको घिस करके फिर फेटने के ही टाइम में डाल देते हैं। बहुत लोग जिसको पसंद है वो उसको घिस लेते हैं, कद्दू के टाइप का होता है, और उसको फेटने के ही टाइम में मिला करके उसको बनाते हैं। और इसको आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। देखिए, हम पूरा इस तरह बड़ी बना करके तैयार कर लिए हैं। अब 5-6 घंटे के बाद हम देखिए ऐसे आए हैं छत पे, तो देखिए ये सूख गया है, तो इसको हम लोग ऐसी तरह से पलट दिए हैं कि दूसरे साइड से भी अच्छे से सूख जाए नीचे से भी। और ये देखिए कितना अच्छा हल्का बना है, ये अंदर से बड़ी अगर गड्ढा ऐसा दिखे और हल्का मतलब फूक जैसा लगे तो समझना चाहिए कि हमारा बड़ी बहुत ही अच्छा बना है, हल्का बना है।
देखिए हम पूरा बड़ी निकाल के सुखा लिए हैं, 2 दिन मेरे धूप में सुखा है। ये बड़ी मेरा बन के तैयार हो गया है। आपको ये मेरा बड़ी का रेसिपी कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और भी किसी तरह का दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट के जरिए हमें बताएंगे। और हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि ये मेरा बड़ी कैसा बना था। थैंक यू सो मच।